हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कोटा स्मार्ट सिटीजन के यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं अनुपात और समानुपात के बारे में। इससे पहले हम आपको बता दें, यदि आपने तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि नए नए नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस क्वेश्चन में हम बात करने वाले हैं जिसमें हमें आय का अनुपात और व्यय का अनुपात दिया गया होगा और बचत दी गई होगी। उन क्वेश्चन को हम कैसे सिंप्लीफाई करेंगे देखते हैं। ए व बी की आय का अनुपात 5:6 है, यानी 5:6 है, ठीक है। उनके खर्च का अनुपात, यानी ए के खर्च का अनुपात 3 और इसके 2। ए 1500 रुपए और बी 3000 रुपए, 5000 रुपए बचाता है, ठीक है। और इनके पीछे हम एक्स लगा लेते हैं। और ये हमने घटाओं का चिन्ह क्यों लगाया है, ये इसका रीजन ये है क्योंकि ये इसकी आय है, ये इसकी व्यय है और ये इसकी बचत है। मतलब जो आय करेगा जिसमें से व्यय करेगा वही बचत होगी, ठीक है। और x लगा लेते हैं और इसे आप देख लेते हैं, y को हम बराबर कर लेते हैं सब जगह। y को बराबर करने के लिए ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 5 × 10x माइनस 6y यानी 3000, नीचे 6 × 18x माइनस 6y बराबर 10, 5 × 15000 प्लस माइनस माइनस, ठीक है, माइनस 8x बराबर 12000। माइनस के माइनस से माइनस कैंसिल, x बराबर हो जाएगा हमारे पास 4 × 8 = 8, 4 × 8 = 40, 1500 रुपये, ठीक है। तो x की वैल्यू हमारे पास 1500 रुपये आ चुकी है। और जैसा कि हमें सिर्फ e का ज्ञात करना है, क्वेश्चन में दिया गया है, यानी 5x यानी 5 × 1500, तो 15 × 5 = 75 रुपए, यानी ए की आय कितनी होगी, 7500 रुपए, जैसा कि इसमें आंसर हो चुका है। इसी टाइप से हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं, उसके अंदर भी हम इसी टाइप से बिल्कुल यही मेथड यूज करते हुए इस क्वेश्चन को करेंगे। हम तीनों क्वेश्चन इसी मेथड से करने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है ए व बी की आय का अनुपात 5:6 है, 5:6 है, ठीक है। उनका व्यय का अनुपात 3:4 है, माइनस जैसा कि हमने पहले बताया 3:4 है, और बचत दे रखी है हमें, तो ये थी ए 1800 रुपये और बी 1600 रुपये बचाता है, ठीक है। यहाँ पर एक्स एक्स मान लेते हैं, यहाँ वाई वाई मान लेते हैं। तो हमें ए क्या, ए बी का आय ज्ञात करनी है, यानी इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है हमें 6x की। तो x की वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं, इसलिए y को बराबर कर लेते हैं। तो ऊपर कर लेते हैं हम 4 से मल्टीप्लाई, नीचे कर लेते हैं 3 से मल्टीप्लाई, ठीक है। 5 × 20x माइनस 4 × 12y बराबर 18 × 18, 18 × 72, ठीक है। 6 × 18x माइनस 4 × 12y 16 × 16 = 32, 16 × 48, ठीक है। माइनस प्लस माइनस 2x बराबर 4 × 00 = 6 × 2 = 24, x बराबर 1200। तो यानी इसकी वैल्यू हम ज्ञात करेंगे 6x की, तो 6x बराबर 6 × 1200 कर लेंगे, तो 72, यानी 7200 रुपये हमारी वैल्यू आ जाएगी, 7200 रुपये हमारा आंसर आ जाएगा, जो है डी, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन को हम ऑप्शन से करते हैं। ऑप्शन से इन क्वेश्चंस को हम कैसे कर सकते हैं एक बार वो भी देख लीजिए, क्योंकि जैसा कि हम बताते हैं कि ऑप्शन मेथड से करेंगे। यदि ए बी सी के आय का अनुपात, जैसा कि हम लिख लेते हैं ए बी सी के आय का अनुपात 7:9:12 है, सबके पीछे एक्स मान लेते हैं, जैसे हम आय में हमेशा एक्स मानते आए हैं, और उनके खर्च का अनुपात 8y, 9y और 15y है। यदि इसमें से आय ए आय का 1/4 भाग बचाता है, यानी ए की आय ये है, यानी 7x, और उसका 1/4 भाग वो बचा लेता है, ठीक है, इसमें लिख रहा है। तो ए बी सी के आय के बचत का अनुपात ज्ञात करना है, यानी हमें इसकी वैल्यू बी की बचत और सी की बचत दी नहीं गई है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम सीधे ऑप्शन से ही मेथड सॉल्व करते हैं। यानी
जो आंसर होगा वह ए की आय की बचत होगी, बी की आय की बचत होगी और सी की आय की बचत होगी। अब जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पर सेवन से मल्टीप्लाई करेंगे जो आंसर आएगा एक से, यानी सेवन से मल्टीप्लाई है। यदि जो संख्या सेवन से मल्टीप्लाई है यानी वो सेवन से डिवाइड भी होगी। हम अनुपात में देखते हैं कौन सी संख्या सेवन से डिवाइड हो रही है, तो सातों सातों उनचास सातों आठों छप्पन, एक तो ये संख्या हो रही है। इसके अलावा सात नंबर में तिरसठ, सात दाई सत्तर, ये नहीं हो रही, ये भी नहीं हो रही, ये भी नहीं हो रही। तो हमारा ऑप्शन आंसर होगा ए, यानी 56 अनुपात 99 अनुपात 69। आप चाहे तो इसमें वैल्यू रख के भी आप इसे कर सकते हैं, तब भी आंसर यही आएगा। फ्रेंड्स यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। थैंक यू।